हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोग पेनी स्टॉक की डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अच्छे पेनी स्टॉक्स बताइए। तो फ्रेंड्स, इस मार्केट की गिरावट में आपको अगर थोड़ा बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से पेनी स्टॉक ऐड करना होगा जो फंडामेंटली साउंड है, तो ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है और काफ़ी अच्छी कंपनी है और फंडामेंटली साउंड है, रिजल्ट भी अच्छा देती है। आपको अगर इन्वेस्ट करना होगा तो इसके बारे में स्टडी करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका रेट है ओनली 20 रुपीज़। फ्रेंड्स, इसका टेक्सटाइल यार्न बनाने का कंपनी का काम है और इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 20 रुपीज़ 40 पैसा एंड 52 वीक हाई था 28 रुपीज़। इसका पी है ओनली 7 का, ईपीएस है 2.65 का, जो कि अच्छा है लुकिंग एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.70। इस शेयर का इंट्रेंसिक वैल्यू है 20 रुपीज़, ग्राहम नंबर है 32 रुपीज़ एंड बुक वैल्यू है 18 रुपीज़। प्रमोटर होल्डिंग है 66%, FII का होल्डिंग नहीं है, बट DII का होल्डिंग है 0.53%। बात करेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट की, तो जून 2021 में प्रॉफिट था 11 लाख रुपीज़, मार्च 2022 में था 34 लाख रुपीज़ और अभी जून 2022 में प्रॉफिट आया है 1 करोड़ 15 लाख रुपीज़। जून क्वार्टर काफ़ी शानदार आया है। कंपनी का नाम है आदित्य स्पिनर्स लिमिटेड, आदित्य स्पिनर्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो जो लोग फंडामेंटली साउंड पेनी स्टॉक ढूंढते रहते हैं उनके लिए शेयर है, जो कि बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से आप ऐड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना होगा, काफ़ी लोग के पोर्टफोलियो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, निगेटिव में रहते हैं, तो रिव्यू कराना ज़रूरी है। पोर्टफोलियो रिव्यू कराना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9545850000 पर। आपसे मैं खुद बात करूँगा फ़ोन पर, डिस्कस करूँगा आपके पोर्टफोलियो के बारे में और फिर हम लोग डिस्कस करके डिसीजन लेंगे कि कौन सा शेयर रखना है, कौन सा शेयर बेचना है। काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू करने की। तो अगर आपको कराना हो तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको चार्जेस बता दूंगा और वो हिसाब से हम लोग डिस्कस करके पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, जो कि 1-to-1 बात करके करेंगे, ना कि ओनली व्हाट्सएप के ज़रिए। सो आई होप, क्योंकि मैं जब इतने लोगों से बात कर रहा हूँ तो बहुत दुख होता है सबके पोर्टफोलियो देख के कि बहुत ख़राब कंपनियाँ लेके रखी भी होती है। तो रिस्ट्रक्चर करना ज़रूरी होता है आपके पोर्टफोलियो को। अगर आपको कराना होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कराइए या किसी और से कराइए, बट पोर्टफोलियो रिव्यू कराना टाइम टू टाइम ज़रूरी होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।